आज की ये खबर आपको थोड़ा सा हैरान कर सकती है, क्योंकि एक बार फिर इसराइल का पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ है, और इस फेलियर से साफ पता चलता है कि इस समय ईरान के पास कितनी ज्यादा ताकतवर मिसाइलें आ चुकी हैं, जो आसानी से इसराइल के इस एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर रही हैं। लेकिन इसराइल पर हुए इस हमले की वजह से भारत पर भी एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और इसकी वजह से भारत को करीब करीब $1.5 अरब का नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसराइल का रौद्र रूप देख करके अब हमास चीफ को भी अपनी जान का खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए ये व्यक्ति अब किसी भी तरीके की यात्रा करने से बच रहा है। वहीं आज के इस वीडियो में आप ये भी जान जाएंगे कि किस तरीके से भारतीय सेना अमेरिकी सेना से कितनी ज्यादा ताकतवर है और कितनी ज्यादा मौजूदा वक्त में आधुनिक हो चुकी है। आज के इस वीडियो में भारत, अमेरिका, ईरान, इसराइल, हिजबुल्ला, मालदीव और बांग्लादेश से जुड़े हुए कई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले इसराइल से आ रही अपडेट की बात की जाए तो इसराइल ने किस तरीके से हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को मार गिराया, लेकिन नसरल्ला की मौत के बाद इसराइल को लगा कि अब हिजबुल्ला की तरफ से होने वाले हमले रुक जाएंगे, लेकिन इसमें 1% की भी गिरावट नहीं हुई और अभी भी लगातार हिजबुल्ला की तरफ से इसराइल पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इस खबर ने हेडलाइंस बनानी तब शुरू कर दी जब इसराइल के पोर्ट शहर हाइफा पर रॉकेट से हमला किया गया। इसमें इसराइल के करीब 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, और इसराइल ने खुद इस बात को एडमिट किया है कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इन हमलों को रोकने में नाकामयाब रहा है। प्रॉपर एक पेपर पब्लिश करते हुए सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई, जिसके बाद दुनिया में ये चर्चा भी तेज हो चुकी है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है किसी भी तरीके के हमले को रोकने के लिए। आप ये बात भी जानकर के हैरान हो जाएंगे कि छोटा सा देश इसराइल 3 तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे छोटा है आयरन डोम, जो छोटी प्रकार की मिसाइलों को रोकने में कामयाब होता है, जहां पर छोटी मिसाइलें हों या फिर आर्टिलरी शेल्स, इन्हें आसानी से रोका जा सकता है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर से लेकर के 70 किलोमीटर तक है। दूसरा प्रोटेक्टिंग सिस्टम है डेविड सिग्नल, जो की लंबी दूरी वाली मिसाइलों को आसानी से रोक सकता है, और इसमें कई प्रकार की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोका जा सकता है। इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर तक की है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर इसराइल इस्तेमाल करता है एरोबैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम। ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो आसमान से या फिर कहें अंतरिक्ष से आने वाली इनफाइनाइट रेंज से भी आने वाली मिसाइलों को आसानी से रोक सकता है, और यहाँ पर किसी भी मिसाइल को रोक पाना सबसे ज्यादा पॉसिबल है। इसके बावजूद भी इन तीनों लेयर्स को ईरान की नई बैलिस्टिक मिसाइलों ने पार करते हुए ईरान के हाइफा पर हमला कर दिया। लेकिन भारत के पैसे यहाँ पर इस तरीके से फंसते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ही भारत की सबसे बड़ी पोर्ट ऑन करने वाली कंपनी अडानी ग्रुप ने इसराइल के हाइफा पोर्ट अधिग्रहण किया था। ये डील करीब $1.2 बिलियन की थी, और इस डील को भी उसी समय क्लोज किया गया था। लेकिन ये पोर्ट भी इन्हीं लोकेशंस पर मौजूद है जहां पर लगातार हिजबुल्ला की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डैमेज होगा तो डेफिनेटली अडानी ग्रुप को यहां पर लॉस उठाना पड़ सकता है। वैसे तो इसराइल और भारत के बीच में हुई इस पोर्ट की डील को काफी इम्पोर्टेंट डील बताया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्ट है जहां पर एशिया और यूरोप को आसानी से कनेक्ट किया जाता है। इसराइल में आने वाले सामान का करीब 99% इसी रूट से आता है, और इसे इसराइल का सबसे बिजिएस्ट रूट भी कहा जाता है। इसके बावजूद भी अगर इस शहर पर हमले हो रहे हैं और अगर किसी भी तरीके से इस पोर्ट को निशाना बनाया जाएगा तो दोनों ही देशों को बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। आपके हिसाब से अब भारत को यहाँ पर क्या एक्शन लेना चाहिए, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बेट की बात की जाए तो अब से करीब 1 साल पहले ही हमास की तरफ से इसराइल पर हमले किए जाते हैं। इसराइल के कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और कई लोगों को हमास की तरफ से बंधक बनाया जाता है, लेकिन हमास के चीफ यह शनिवार को भी अपनी जान का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हिजबुल्ला चीफ हो ईरान के हेड्स लगातार इसराइल ने मारने शुरू किए हैं, अब इस व्यक्ति को भी अपनी मौत का डर लग रहा है। इसीलिए अब ये उन देशों में भी विजिट करने से पूरी तरीके से बच रहा है जो कि मध्यस्थता करा सकते हैं, और मध्यस्थता कराने में सबसे बड़ा नाम कतर का सामने निकल के आता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर होने वाले किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में कतर सबसे अहम भूमिका निभाता है दोनों देशों के बीच समाधान कराने के लिए। इस बार भी कुछ इसी प्रकार के प्रपोजल को आगे बढ़ाया गया कि कतर हमास और इसराइल के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में कामयाब हो सकता है। लेकिन कतर के अधिकारियों का कहना है कि जिस तरीके से इसराइल एक एक करके सभी आतंकियों को टारगेट कर रहा है, इसमें इस व्यक्ति का नाम भी शामिल है। और अगर आपको किसी भी तरीके की बातचीत करनी है तो आप वीडियो कॉल के जरिए कर लीजिए, आप यात्रा करने से पूरी तरीके से बचें, नहीं तो आपकी जान जा सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कहा गया कि अगर आपको युद्ध रोकना ही है तो इसराइल के जिन नागरिकों को आपने बंदी बना करके रखा है, उन्हें सेफली आप इसराइल को वापस
वापस लौटा दें तभी ये युद्ध रुकेगा, अदरवाइज इसराइल अभी और बड़े हमले करने की तैयारी में है। जहां इसराइल की समाचार एजेंसियों का कहना है कि इजरायली सेना हिजबुल्ला के प्रमुख को खत्म करने के बाद अब सिनवार को भी मारने की तैयारी में है, लेकिन इस व्यक्ति को ढूंढ पाना आसान नहीं है। इस व्यक्ति ने बहुत ही सीक्रेट तरीके से अपनी लोकेशंस को हाइड करके रखा है और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जिन इजरायली नागरिकों को यहां पर बंधक बनाया गया है उनके बेसिस पर ये खुद को प्रोटेक्ट करता आया है, क्योंकि अगर इस व्यक्ति पर हमला होगा तो उन व्यक्ति को भी मार दिया जाएगा, जिसकी वजह से एक तरीके से इसराइल पर प्रेशर है और इसीलिए इसराइल बड़े एक्शंस नहीं ले पा रहा। अब इसराइल के करीब 100 से भी ज्यादा लोग इस व्यक्ति के कब्जे में हैं। बाकी देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसराइल किस तरीके से निकालता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो एक नई रिपोर्ट सामने आई जिसमें पता चला कि भारतीय आर्मी अमेरिकी आर्मी से कितनी ज्यादा ताकतवर है। और अगर आप सामने कोई भी ये बात रखे कि भारतीय आर्मी अमेरिकी आर्मी से ताकतवर है तो शायद आपको इस बात पर यकीन ना हो, क्योंकि आप सीधे कंपेयर करेंगे उनकी टेक्नोलॉजी से, उनके लाइफस्टाइल से, उनकी ट्रेनिंग से, उनकी हाइट से और बहुत सारी चीजें आपको मेजर करने को मिलेंगी। लेकिन आर्मी के अंदर अंदर से दम होना चाहिए, आप शरीर से कैसे भी हो, और इसी मामले में भारतीय सेना सबसे ताकतवर सेना कही जाती है, इसलिए हर भारतीय को गर्व जरूर होना चाहिए। आ रही बड़ी अपडेट ये है कि भारतीय जवानों ने गजब का प्रदर्शन किया है जब अमेरिकी मिलिट्री टीम के सामने पोलो गेम शुरू हुआ। इसमें दुनिया भर की मशहूर और ताकतवर मिलिट्रीज को शामिल किया गया, लेकिन जब भारतीय आर्मी और अमेरिकी आर्मी एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तब 13-10 के अंतर से भारतीय आर्मी अमेरिकी आर्मी को पूरी तरीके से हरा देती है। और अमेरिका दुनिया में सुपर पावर देश है, ये अपनी मिलिट्री पर 900 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करते हैं, इसके बावजूद भी अगर भारतीय आर्मी इन्हें हरा दे रही है तो आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि हमारी सेना कितनी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इसी बीच भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। 3 अक्टूबर 2024 को इस समझौते पर साइन किया गया ताकि भारत के ग्रिड का इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश नेपाल से बिजली ला सके। अब नेपाल और बांग्लादेश के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए भारतीय टावर्स एंड केबल्स का इस्तेमाल किया जाएगा नेपाल से बिजली बांग्लादेश में लाने के लिए। आज बांग्लादेश के आर्थिक हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, तमाम फैक्ट्री शट डाउन हो चुके हैं और जो फैक्ट्रीज पावर कंज्यूम करती हैं ऑपरेट होने के लिए वो भी पूरी तरीके से बंद हैं। और इसके पीछे कारण भारत बताया जाता है, क्योंकि भारत का करीब 1.8 अरब डॉलर बांग्लादेश के पास बकाया है और बांग्लादेश भारत को वापस नहीं कर पा रहा। अब पुरानी पेमेंट भारत को आएगी नहीं तो भारत नई इलेक्ट्रिसिटी आखिर कैसे बेचेगा, इसीलिए बांग्लादेश नेपाल से बिजली इम्पोर्ट कराने जा रहा है। नेपाल बांग्लादेश को ज्यादा नहीं सिर्फ 40 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करेगा, जिससे कुछ हद तक बांग्लादेश को रिस्टोर किया जा सकता है, लेकिन इन्हें रिस्टोर करने में कई 100 मेगावाट की बिजली लगने वाली है और भारत ही इनकी डिमांड पूरी कर सकता है। अब बांग्लादेश को डिसाइड करना है कि वो किस तरीके से भारत की पेमेंट करेंगे, तब जाकर के भारत फिर से इन्हें बिजली भेज सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नेपाल से इन्हें भारत से भी ज्यादा महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अपडेट मालदीव से सामने निकल के आ रही है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मईजू भारत आए हुए हैं, जो कि एक प्रो चाइना लीडर कहे जाते हैं, लेकिन चाइना ने जिस तरीके से इन्हें धोखा दिया है अब ये पूरी तरीके से भारत के सपोर्ट में खड़े हैं। बट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज मालदीव की स्थिति ऐसी है कि इनके पास खुद के विमान तक नहीं है कि ये भारत आ सके। आपको बता दें रविवार को 12:06 पर भारतीय रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले DRDO के जो विमान है उनका इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति मईजू भारत आए हैं और भारत में बैठ करके कई इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स किए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये वादा किया है कि भारत की सिक्योरिटी को किसी भी तरीके का खतरा नहीं आने देंगे। लेकिन ये वही मईजू हैं जिन्होंने भारत के डॉर्नियर विमान HAL हेलीकॉप्टर्स को अपने देश में उड़ान भरने से रोक दिया। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इन सभी खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।